हेलो एवरीवन, आज की रेसिपी है पनीर ब्रेड पॉकेट्स। पनीर और ब्रेड के साथ एक अमेजिंग और टेस्टी स्नैक रेसिपी बनाने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। पनीर को ऐसे रेक्टेंगल शेप में काट लिया है, इस तरह से काटा है ताकि ये ब्रेड के अंदर अच्छी तरह से आ जाए। नींबू का रस डालेंगे एक बड़ा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधी छोटी चम्मच, जीरा पाउडर आधी छोटी चम्मच, आमचूर पाउडर आधी छोटी चम्मच, चाट मसाला पाउडर आधी छोटी चम्मच, नमक एक तिहाई छोटी चम्मच, कसूरी मेथी एक छोटी चम्मच, काली मिर्च एक तिहाई छोटी चम्मच। अब इन सबको बहुत अच्छी तरह से मिला लेंगे। पनीर के टुकड़ों को मसालों से बहुत अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। कटी हुई धनिया पत्ती डालेंगे एक बड़ा चम्मच, इसे भी बहुत अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये इस तरह से तैयार है। अब ब्रेड का एक स्लाइस लिया है, चारों तरफ से इसके किनारे काटकर अलग कर देंगे। अब इसे बेल कर बहुत पतला कर लेंगे, जितना पतला हो सकता है उतना पतला बेल लेंगे। सारे ब्रेड स्लाइसेस इस तरह से तैयार हैं। सारे ब्रेड स्लाइसेस के किनारे अलग करके उनको पतला बेल लिया है। अब थोड़ा सा पानी ले लेंगे, एक चम्मच लेकर ब्रेड स्लाइस के चारों तरफ इस तरह से पानी लगाएंगे। इतना पानी डालना है ताकि ये चारों तरफ से अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा नरम हो जाए। अब इसे चारों तरफ से प्रेस करके थोड़ा सा नरम कर लेंगे। अब तैयार किया हुआ पनीर का एक पीस लेंगे। पनीर इस तरह से बीच में रखकर इस तरह से फोल्ड करना है। इस तरह से चारों तरफ से फोल्ड करके किनारे से अच्छी तरह से दबाएंगे, साइड से भी अच्छी तरह से दबाकर सील कर देंगे। चारों तरफ से अच्छी तरह से प्रेस करके सील करें ताकि कहीं से भी खुलने का डर ना रहे। ये इस तरह से तैयार हो गया। इस तरह से बाकी के पनीर ब्रेड पॉकेट्स भी बना लेंगे। तेल अच्छी तरह से गरम कर लेंगे और बिल्कुल धीमी आंच पर गोल्डन ब्राउन कलर आने तक तलेंगे। दोनों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है और गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, अब निकाल लेंगे। तो इस तरह से पनीर ब्रेड पॉकेट्स तैयार हैं। बीच से काट कर देख लेते हैं। ये इस तरह से अच्छी तरह से पक गया है, तो ये बनाकर जरूर ट्राई कीजिए। बहुत ही इजी एंड टेस्टी स्नैक रेसिपी है जो आप कभी भी बना सकते हैं। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंग्रेडिएंट्स यहाँ वीडियो में ही है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर बाद में यूज़ कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी अलग रेसिपी के साथ। थैंक यू।